जमशेदपुर का कुख्यात अपराधी पूरन चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूरन चौधरी की गिरफ्तारी एमजीएम थाना क्षेत्र में हुई है। पूरन के पास से पुलिस ने एक हथियार भी बरामद किया है। वहीं पूरन की निशानदेही पर पुलिस ने राजस्थान के जयपुर से पूरन की बहन सुमित्रा के घर छापेमारी कर दो हथियार बरामद किए हैं। इधर आपको बताते चले कि पूरन चौधरी के खिलाफ जिले के थाने में 11 मामले दर्ज है, जिसमें सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के बगान एरिया निवासी मनप्रीत सिंह हत्याकांड और एमजीएम थाना क्षेत्र में रंगदारी मांगने के आरोप में वो फरार चल रहा था, जहां जमशेदपुर पुलिस ने अब उसे गिरफ्तार कर लिया है। आगे इस वीडियो में देखें कि जमशेदपुर एसएसपी ने इस मामले को लेकर क्या कहा है। कुख्यात अपराध कर्मी पूरन चौधरी की गिरफ्तारी जमशेदपुर पुलिस के द्वारा की गई है। यह अभियुक्त दो कांडों में फिलहाल वांछित चल रहा था। एक सिद्धगोड़ा थाना कांड संख्या 91/22 जो कि मनप्रीत हत्याकांड के रूप में भी लोग जिसे जानते हैं, और दूसरा एक एमजीएम में रंगदारी का मामला गत वर्ष 137/23 दर्ज हुआ था। दो मामलों में ये फिरार चल रहा था। इसके अलावा अगर कुल मिलाकर के बात करें तो इसके विरुद्ध 11 प्राथमिकी जो है पहले से दर्ज चली आ रही है और काफ़ी समय से ये फरार चल रहा था। इसकी निशानदेही पर कुल मिलाकर के 3 जो है हथियार अभी तक बरामद हुए हैं। 2 हथियार जो है राजस्थान में, इसकी जो संबंधी वहाँ पर रहते हैं वहाँ पर इसके कन्फेशन के आधार पर जब वो सूचना उनके साथ में साझा की गई तो वहाँ पर राजस्थान पुलिस के द्वारा उसे सीज किया गया है। इसके अलावा 1 देसी कट्टा और 2 जिंदा गोली इसके पास से भी यहाँ पर बरामद। गिरफ्तारी इसकी जो है वो एमजीएम थाना क्षेत्र के डिमना हिल पॉइंट होटल पानी टंकी के पास से।